महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का प्रचार अब अपने चरम पर पहुंच गया है और इसके साथ ही महायुति और महाविकास अखाड़ी के नेताओं के बीच जुबानी हमले भी तेज हो गए हैं। ऐसा ही एक मामला कल देर रात देखने को मिला जब महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे मुंबई के चांदीवली इलाके से प्रचार करके लौट रहे थे। तब कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने गद्दार गद्दार के नारे लगाने शुरू कर दिए। इससे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का पारा चढ़ गया और वह तुरंत अपनी कार से नीचे उतरे और नसीम खान के ऑफिस की ओर चल दिए। आपको बता दें कि ये घटना चांदीवली से कांग्रेस उम्मीदवार नसीम खान के दफ्तर के बाहर हुआ था। कार्यालय में पहुंचने के बाद उन्होंने मौके पर मौजूद कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की पार्टी के पदाधिकारियों से पूछा, अपने कार्यकर्ताओं को यही सिखाते हैं क्या आप लोग? उनका व्यवहार इसी तरह का है। इसके तुरंत बाद मुख्यमंत्री के काफिले में चल रहे पुलिस कर्मियों ने संतोष काटके और कुछ अन्य कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया, हालांकि बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया। इस पूरी विवाद पर चांदीवली से कांग्रेस उम्मीदवार नसीम खान ने कहा, मुख्यमंत्री का दफ्तर में आकर धमकाना गलत है, लेकिन हम इसका राजनीतिकरण नहीं करना चाहते। लोकतंत्र में आलोचना का स्थान होना चाहिए। हम भी कई वर्षों तक मंत्री और विधायक रहे हैं। इस तरीके का व्यवहार आचार संहिता का उल्लंघन है। इस पूरी घटना के बाद संतोष काटके मंगलवार को सुबह मातोश्री पहुंचे और उद्धव ठाकरे से मुलाकात की और इसी दौरान ही उद्धव ठाकरे ने उन्हें शिवसेना यूबीटी में आधिकारिक रूप से शामिल कराया। इस पूरी घटना का वीडियो अब इंटरनेट पर वायरल है।